लेकिन कितने कम नसीब है वो लोग जो लोग गर्मी का बहाना करके, जो लोग बीमारी का बहाना करके, जो लोग कारोबार का बहाना करके कहते हैं कि मैं रोज़ा नहीं रख सकता, धूप कितनी है मौलाना, कितनी धूप है, मैं रोज़ा नहीं रख सकता, गर्मी की शिद्दत कितनी है, मैं रोज़ा नहीं रख सकता, मैं बीमार हूँ। क्या बीमारी है? बुखार आ गया। क्या बीमारी है? पेट में दर्द होता, भूखा रहता। क्या मसला है? वो गुटके के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रमज़ान शरीफ का एक रोज़ा, अगर किसी का रमज़ान शरीफ का एक रोज़ा उसने छोड़ दिया, एक रोज़ा उसने रमज़ान शरीफ का छोड़ दिया, उसके बदले में जिंदगी भर रोज़े रखें। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारी किताबों में लिखा हुआ है, इस्लामी कुतुब में, अहले सुन्नत की कुतुब में, कुतुब फ़िक्ह में, कुतुब अहदीस में लिखा हुआ है कि जिसने माह रमज़ान शरीफ का एक रोज़ा छोड़ दिया फिर अब पूरी ज़िंदगी रोज़े रखता रहा उसके बदले में, तो जो फजीलत रमज़ान शरीफ में एक रोज़ा रखने की थी, पूरी ज़िंदगी के रोज़े रख कर भी उस एक रोज़े की फजीलत को नहीं पा सकता। एक रोज़े की फजीलत को ज़िंदगी भर के रोज़े, भाई वो कफ़ारा कज़ा ये तो सब फ़िक़ही एतबार से अदा हो गया उसके बदले, लेकिन फजीलत की बात हो रही है कि उसकी फजीलत जो माह रमज़ान शरीफ के रोज़े की है वो नहीं पा सकता, ज़िंदगी भर रख ले। और फिर उनके जबड़े जो आग की कैची से काटे जाएंगे जिन्होंने रोज़े नहीं रखे होंगे, बड़ा दर्दनाक अज़ाब है जिन्होंने रोज़े नहीं रखे होंगे। ये गर्मी का बहाना कुछ नहीं, ये सब लंगड़े लूले बहाने, बीमारी का बहाना कुछ नहीं, कोई बीमारी नहीं। डॉक्टर सही कह रहा है या अल्लाह के रसूल का फरमान सही है? सरकार अबद करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रोज़ा रखो सेहतमंद हो जाओगे, यानी रोज़े में बीमारी नहीं है, रोज़े में शिफा है, रोज़े में शिफा है। आप देखें अक्सर बीमारियों में डॉक्टर कहता है कि खाने से परहेज करो, कम खाओ, बीमार हो तो इसको अनाज मत दो, बहुत सारी बीमारियां जिसमें कहते हैं अनाज मत दो, रोज़े में क्या है, भूखा ही तो रखा जा रहा है, प्यासा ही तो भूखा और प्यासा रहने से कोई मरता नहीं, बीमारी बढ़ती नहीं बल्कि बीमारी कंट्रोल होती है, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इंसान के जिस्म में ऐसी चीज़ें पैदा की है कि जब वो भूखा रहता है, सिर्फ भूखा रहता है, तो भूख के वक्त तो वो कुछ मखसूस मादे निकलते हैं जो इंसान की सेहत के लिए बेपना मुफीद है और उससे कोई बीमारी नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है मेरी वालदा का ऑपरेशन था मालेगांव के खड्डी के गैर मुस्लिम डॉक्टर के यहाँ, नाम भी ले सकता हूँ लेकिन छोड़ता हूँ उसको, तो उसके यहाँ, तो मैं जब ऑपरेशन का बिल पेड करने के लिए गया तो उसने मुझे जब वो चाय पेश की तो मैंने सोचा कि कहीं इसका दिल ना दुख जाए, तो मुझे कहना पड़ा कि मैं रोज़े से हूँ। वो कहा कि रमज़ान शुरू हो गया, मैंने कहा ये रमज़ान के रोज़े नहीं हैं, ये 13, 14 और 15 महीने के जो 3 रोज़े हमारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा करते थे तो हम लोग भी रखते, तो सब तो नहीं रखते, मैंने नहीं सब नहीं रखते क्योंकि वो ज़रूरी भी नहीं है, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है रमज़ान शरीफ की तरह, लेकिन ये सुन्नत है और ये ऐसी सुन्नत है कि सफ़र में भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम इसको नहीं छोड़ते थे। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ये रोज़े रखेगा तो उसके चेहरा आखिरी दिन क़यामत के दिन 14वीं रात की चाँद की तरह चमकेगा। आपकी दुआओं से मेरी आदत है, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, जब भी कोई मिलता है ऐसा तो फिर हम अपना सौदा खोल के बैठ जाते हैं, क्योंकि हर दुकानदार चाहते हैं ना कि अपना सौदा बिके, तो अपनी आदत ही है कि बता दें फिर अल्लाह की मदद। वो उसका चेहरा चमक उठा, ये बात सुनकर उसका चेहरा चमक गया, उसने कहा मौलाना साहब ये तो आपका मजहबी मामला है लेकिन ये साइंस कहती है कि अगर महीने में 3 दिन इस तरह से अगर कोई भूखा रहेगा तो उसके पेट, उसका पेट वॉश हो जाएगा, धुल जाएगा, साफ हो जाएगा और फिर वो कई बीमारियों से बच जाएगा। फौरन मेरी ज़बान पे हुज़ूर अलैहिस्सलाम के लिए दुरूद आ गया कि लोग आज कह रहे हैं मेरे महबूब ने
फरमाया कि इसको हो सके तो रखो, और बल्कि इसको हुजूर ने सफर में भी नहीं छोड़ा। तो रोजे कहने का मतलब यह है, अल्लाह ताला हम सबको रियाकारी से महफूज रखे। सिर्फ तरगीब के लिए मैंने अर्ज किया कि आज रोजे पर तहकीक हो रही है, रिसर्च हो रही है कि रोजा रखने से बीमारी नहीं बढ़ती बल्कि शिफा मिलती है। हाँ, ऐसा बीमार, वाकई ऐसा बीमार जिसकी बीमारी उस दर्जे को पहुंच गई हो कि मुस्लिम मुतशर्रा डॉक्टर्स कई एक मिलकर ये कहते हैं कि रोजा आप ना रखें, कहीं एक नहीं बल्कि कहीं एक कहते हैं, तो तब उसके लिए उलमा ने हमारे इजाजत दी, वो अलग बात है। लेकिन ये छोटी मोटी बीमारियां के सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, बुखार आ गया है, एक्सीडेंट हो गया, पैर में चोट आ गई है, हाथ टूट गया है, इन बीमारियों के अंदर रोजा कैसे छोड़े? इस क्योंकि रोजा इतनी आसानी से, जो रोजे की बरकत जानता है ना, जो रोजे की फजीलत जानता है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का फरमान है कि रोजा मेरे लिए है, रोजा मेरे लिए है, और अल्लाह फरमाता है मैं ही इसकी जजा हूं। रोजा मेरे यानी हर अमल की जजा जन्नत हो सकती है, हर अमल की जजा जन्नत हो सकती है, रोजे की जजा जाते बारी ताला है। यानी कि अल्लाह अकबर, सिर्फ समझाने के लिए कि कोई बादशाह कह दे कि ये काम करोगे तो वो शहर दे दूंगा, ये काम करोगे तो इतनी दौलत दे दूंगा, ये काम करोगे तो खिलात दे दूंगा, ये काम करोगे तो इख्तदार दे दूंगा, ये काम करोगे तो कोई लकब दे दूंगा, ये काम करोगे तो कोई खिताब दे दूंगा, लेकिन एक काम इतना पसंद है कि अगर ये काम तुम करके आए तो मैं खुद तुम्हारा हो जाऊंगा। बादशाह कहे कि मैं खुद तुम्हारा हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर, सोचे ना जरा फिर उस काम की शान क्या है। अल्लाह कहता है कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जजा हूं, मैं ही इसकी, मतलब क्या है? अब मतलब तो अल्लाह उसका रसूल इसकी मुराद जाने, लेकिन सूफिया कहते हैं, रोजेदार से कह रहा है, रोजा रख मैं तेरा हो जाऊंगा, रोजा रख मैं तेरा हो जाऊंगा। और एक रिवायत में यूं भी आया है कि जो रोजा रखेगा इसका मतलब यह है कि मैं ही उसकी जजा हूं, मतलब रोजेदार को अल्लाह अपना दीदार कराएगा, रोजेदारों को अल्लाह का दीदार नसीब होगा। ये तो बातें थी तमहीद के तौर पर, लेकिन ये सारी फजीलत उनको नसीब होना है जो रोजेदार है, सारी फजीलत उनको नसीब होना है जो रोजेदार है।